Hollywood go. Hey guys, welcome back to another episode of Audacity. Go. Today we have आज वैसे देखा जाए तो हमारे फर्स्ट गेस्ट ऐसे हैं जो एक्टर हैं, मतलब जिन जो जिनको आर्ट सच में प्यार है, जो मुझे लगता है देख के वैसा जितनी हमने बात करी उस बारे में. एंड वेलकम तारुक भाई, कैसे हो? थैंक यू ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आने 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 के लिए बहुत शुक्रिया यार, मेरे को बहुत मेरे लिए बहुत मीन करता है यार, मेरे ये सब बोलना पड़ता है थोड़ा सा यार. मुझे पता है कि हम दोनों दिल्ली से हैं और हमारा दिल्ली कनेक्शन है. एक हम मिले थे अभी, बहुत रिसेंटली मिले थे हम एक पार्टी में. तो हमने कहा कि हम बस ऐसे बात करे थे तो मेरे को बहुत अच्छे लगे बात करके. तो फिर हमने बातें करी, तो मैंने कहा फिर क्यों ना इनको बुलाया जाए और इनसे कुछ बातें करी जाए. सो मेरे को ये बताओ कि अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ, मतलब आप जब आप फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे वैसा, और आपकी कुछ कुछ स्ट्रगल्स थी, या फिर आपने बचपन से सोच लिया था एक्टर ही बनना है मेरे को वैसा? ना ना भाई, एक्चुअली बॉम्बे आने के बाद भी नहीं सोचा था कि एक्टर बनना है. मतलब क्या हुआ था कि मैं कॉलेज से सीधा बॉम्बे आ गया था क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मुझे मिल गया था. मतलब इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स कि मैं जब मैंने ऑडिशन किया था, मैं 17 साल का था. तो यू नो उस टाइम पे इट वाज लाइक एनीथिंग गोज, मैं कुछ भी करूँगा अभी. अभी तो कर सक वो वाला होता है ना, अभी तो कर सकता हूँ, बाद में टाइम है मेरे पास अभी. तो वैसे ही मैं आया था और कम्प्लीटली गुम, क्लूलेस, मतलब कुछ नहीं पता, किसी को नहीं जानते, आ गए हैं कुछ करने. बट जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं आया था वो बेसिकली मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो शेल्फ हो गया प्रोजेक्ट. ओके. तो वो बंद हो गया. अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा था मैं ये करके वापस, मतलब इट वाज लाइक आई वाज ट्राइंग समथिंग न्यू. तो मुझे लगा अगर ये नहीं चला तो ठीक है, आई विल जस्ट गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ एंड व्हाटएवर आई वाज डूइंग. बट वो नहीं हुआ क्योंकि बाय द टाइम आई वाज हियर तो एक डेढ़ साल तो मैं उसका वेट ही करता रह गया. एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई एम इन टू डीप, अब तो मेरे को यही करना पड़ेगा. देयर इज नो गोइंग बैक. देयर इज नो गोइंग बैक. तो फिर मैंने धीरे धीरे, ऐसा कोई मतलब ड्रामेटिक स्ट्रगल नहीं रहा, मतलब इन द सेंस देयर इज नो, आई डोंट हैव लाइक दैट काम मिलने में बहुत टाइम लगता है, लगा. बट मैंने और चीजें कर ली बेसिकली. मेरे को जब मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को तो आई गॉट अ चांस टू बी एन एडी. ओके. तो मैं डेढ़ साल अच्छा खासा एडी था, यू नो आई वाज असिस्टिंग मिस्टर आदित्य चोपड़ा, और मतलब इट वाज आई वाज गेटिंग टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ पीपल, यू नो, ऑन अ यशराज फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट. तो मतलब मज़ा आया. फिल्म का नाम था बेफिक्रे. Okay. So you know it was great because there was Ranveer, there was Vani, there was like, you know, we were working with the best of people. Of course ये था कि मैं कभी सेट पे नहीं गया था तो मुझे कुछ नहीं आता था. ये वाली फीलिंग थोड़ी मेरे को पता है कि मैं भी जब ऐसे स्टार्टिंग में आया था तो मैं ऐसा आया तो एक्टिंग के लिए था, सच बताऊँ तो मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया वैसा वैसा. बट फिर मेरे को थोड़ा प्रोडक्शन में बहुत मेरा वैसा था कि सेट पे चलता क्या है, ये सब मैनेज कैसे होता है, क्या सीन है वैसा. दिल्ली में भी मैं कॉलेज में थोड़ा ऐसा प्रोडक्शन का कर लेता था कभी कभी, फ्रीलांसिंग वैसा मेरे दोस्त करते थे, मैं भी कर लेता था. तो फिर यहाँ पे आके मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में तो ऐसे ही किया है कि सेट पे क्या होता है, मेरे को देखना है भाई, एक बार जानना है वैसा. हाँ यार, मेरा तो वो भी नहीं था ना, मेरा तो कभी प्लान ही नहीं था कि मैं एडी बनूंगा या यू नो क्या करूंगा. तो इट वॉज जस्ट लाइक आई हैड टू डू समथिंग, आई हैड टू लर्न समथिंग. मेरा वो था कि और टाइम मैं खाली नहीं बैठ सकता. लाइक टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं पता था. वो तो थैंकफुली आई हैड There was an AD team that kind of taught me a lot. बहुत डांटे खाई बट मज़ा भी बहुत आया. तो वो था. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर. आई रिमेंबर यू नो देर इज अ पर्सन नेम्ड आकर्ष खुराना हुज टॉट मी अ लॉट जस्ट जनरली इन लाइफ. लाइक he's like a mentor to me. तो he has this theater group called AK Various. Okay. And I had a cousin who was there who knew him. You know, one day they needed someone because I think कोई बीमार हो गया था या कुछ मतलब ऐसा. आपके लिए वापस आके आज. हाँ मतलब ऐसा कि नहीं, आउट ऑफ नोवेयर आपको ऐसा बोला कि पता भी नहीं था कि मैं अच्छा एक्टिंग भी करता हूँ. मतलब ऐसा वाला था कि एक लाइन का पार्ट है, आजा कर दे वैसा. हाँ कि वो आजा.
तो वहाँ पे मैं चला गया, तो वो मैंने किया एंड दैट वाज लाइक अ रियली कूल एक्सपीरियंस फॉर मी. मतलब टू बी ऑन स्टेज एज एन एक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मतलब मैंने कभी नहीं किया था यार. आई यूज टू सिंग ऑन स्टेज, सो दैट आई वॉज यूज टू. इट्स नॉट लाइक, बात करने वाला था, इट्स नॉट लाइक आई वॉज स्केर्ड अबाउट यू नो बींग ऑन स्टेज, बट टू एक्ट ऑन स्टेज इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम ओनली. लाइक क्योंकि वो यू आर नॉट योर सेल्फ. या दैट्स व्हाट. और फिर हमें पता भी नहीं कि हम सामने वाले कैसे परसीव करेगा हमारे. एग्जैक्टली. वैसा तो वो तो बहुत स्ट्रेस रहता ही है वैसा. तो उसके बाद वो शुरू हो गया यार, और उसमें मुझे इतना मतलब मजा आया कि यू नो आई केप्ट एट दैट. मतलब आई केप्ट डूइंग थिएटर. आई व्हेन एवर आई यूज्ड टू गेट अ चांस इन एनी प्लेस दैट दे यूज्ड टू मेक, आई यू नो आई मेड एन एफर्ट टू जस्ट बी देयर. यू नो आई थिंक दैट इज वेयर आईव काइंड ऑफ गॉट माई फुटिंग इन टू वॉट एवर लिटिल आई नो अबाउट दिस वर्क ऑन स्टेज इन थिएटर. क्योंकि उसमें क्या होता है, आप चाहो ना चाहो आप गलती नहीं कर सकते. हाँ. मतलब कर तो सकते हो, बट वहाँ पे स्टेक्स आर द हाईएस्ट. यू नो यू डोंट गेट अ सेकंड चांस. तो आई थिंक उस प्रैक्टिस में यू जस्ट गेट अ लिटिल के सब कुछ वन शॉट करना है एक तरह से. हाँ. अगर नॉर्मल उसमें सोचे तो यू नो यू गेट मोर अवेयर, यू गेट मोर अलर्ट, यू गेट मोर ऑन योर टोज व्हाइल परफॉर्मिंग, बिकॉज़ देन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग. दिस इज इट. ऐसा कि मतलब डू ऑर डाई है अभी. हाँ. क्या वैसा अभी है. तो यू नो आई थिंक उस प्रैक्टिस की वजह से अगर अब हम कैमरा पे एक्टिंग करते हैं तो वी स्टिल हैव दैट माइंडसेट की गलती नहीं करनी. विच आई थिंक इट्स नॉट इवन समथिंग लाइक कि ज़्यादा आसान लगता है या मुश्किल लगता है, क्योंकि कैमरा भी बहुत अलग चीज़ है. क्योंकि थिएटर की जो एक्टिंग है वो कैमरा से भी बहुत अलग है. तो यहाँ पे मुंह पे कैमरा आया हुआ है तो तुम ऐसा. हाँ, तो वो भी है. एंड यू नो कैमरा सीज एवरीथिंग. आप थिएटर में ऑडियंस को प्ले कर रहे हो तो यू कैन बी अ लिटिल लाउडर, यू कैन बी अ लिटिल यू नो आउट देयर. कैमरा में आप पलक झपकोगे आपको दिखेगा. मतलब दैट मीन्स समथिंग. एवरी लिटिल थिंग मीन्स समथिंग बिकॉज द ऑडियंस इज नॉट सीइंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस ना, दे आर सीइंग यू अप क्लोज. तो वो भी है. एंड यार उसके बाद भी मैंने बहुत चीज़ों पे हाथ मारा यार, सच बताऊँ. मतलब फ्रॉम यूट्यूब कंटेंट टू टीवी होस्टिंग टू यू नो फिल्म, वेब, वॉइस ओवर्स, म्यूजिक ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट आई हैव कॉन्स्टेंटली बीन डूइंग. तो यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है. अब म्यूजिक तो चलो एक हमारा कॉमन हो गया बीच में वैसा. हाँ. कोई म्यूजिक से थोड़ा अलग ही प्यार है. हाँ. पर आपने यूट्यूब कॉन्टेंट बोला तो वही मुझे याद आया आपका वो जम्बो. Unfortunately, वो भी फिल्म नहीं बनी. कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा. वैसे और 100 बनी गया. आई एम ओवर इट नाउ आई थिंक. बट चाय की जगह बियर. नहीं नहीं यार, अभी तो चाय ठीक है, वरना तो बहुत लंबी बात हो जाएगी. तो बेसिकली यू नो वी स्टार्टेड डूइंग फनी टेक्स एंड म्यूजिकल कॉमेडी एंड वी स्टार्टेड लिटरली ट्रांसलेटिंग सॉन्ग्स इनटू हिंदी. मतलब इट वॉज वेरी फनी. मैंने देखा तो मैं था ये कुछ अलग है बट फनी भी है. हाँ, और वो हम और करते बहुत अलग लग रहे हो आप देखने में. हाँ, भी वो हम यार बहुत पुरानी ना. मतलब काफी पुरानी. मैंने डेट नहीं देखा था. मतलब मैं तो बस देख रहा था वैसा. आई थिंक कम से कम 6 या 7 साल तो हो गए होंगे उस चीज को. और हम मैं अभी यूट्यूब शूट कर रहा हूँ, ये बंदा 6 साल पहले करके छोड़ चुका है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मजाक कर रहा हूँ यार. छोड़ क्या चुके वो तो बस. बट यू नो इट वॉज we also used to do it in a way that we were completely serious about this. This is not funny to us. वो मेरे को दिख रहा था पूरा. like input ऐसा था, max input दिया हुआ. कि यही है भाई. और you know obviously when you try to be funny it's not that funny. If you're not being funny then it's actually funny. Yeah. So we translated a lot of songs. We translated the first one we did was Sugar by Maroon 5. It is called Shakkar. And then we did Show Me the Meaning of Being Lonely by Backstreet Boys. You know, like, and there were some really, really weird lines that just, because if you translate an English song to Hindi, just word by word without changing the meaning. By Show Me the Meaning mein ek line thi, your every wish will be done. Uska translation humne likha tha,
तेरी हर एक मांग मैंने भरी. एंड यू लाइक ये क्या है. और अभी उसके बाद एक मूवी था शेप ऑफ यू, का भी करा आपने, तेरा आकार. तेरा आकार में टाइटल देख के क्या है, मैंने प्ले करा उसमें नमस्ते हाय वाला भी उस पर ही करा ना आपने वो. हाँ, मैंने अभी अभी देखी यार कल परसों, जब मेरे को बता के कुछ तो मेरे को देखना है क्या है सीन है. यार वो भी इट वाज अ रिलीफ एंड ऑब्वियसली द गाय आई डिड इट विद हिज वन ऑफ लाइक यू नो माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, हिज नेम इज प्रीत कमानी. तो हम दोनों वो करते थे वो बहुत अलग, वैसे आइडिया का सहता है तो बहुत अलग चीज है यार, यार मतलब आइडिया टू बी ऑनेस्ट लाइक इट वाज अ वेरी देयर वाज अ होल टीम वर्किंग ऑन इट, इट वाजंट जस्ट अस ओके. यू नो. सो आई मीन ऑफ कोर्स वी हैड इनपुट्स बट यू नो फॉर एग्जांपल वी डिड दिस वन वीडियो वेयर वी डिड अ ट्रिब्यूट टू शाहरुख खान एंड आई एम नॉट किडिंग दैट इज अ मास्टर क्लास ऑन ग्रीन स्क्रीन. इट वॉज अ फुल प्रोडक्शन, इट लुक्स लाइक अ फनी कॉमेडी वीडियो बट इट वॉज अ फुल हेक्टिक प्रोडक्शन द वे वी डन दैट. The way the amount of VFX that's gone into seamlessly blending us into those videos, you know, I think that is one video that I'm most proud of in terms of just how it's produced. You should see that. And he even tweeted it out, bro. He tweeted तो दिस वाज 6 years अगो ओनली. हाँ, ये तभी था, ये तभी कर और रहे थे ऑन द हम. सेम चैनल जो था आपका वो जो जिस पे ये सब था. हाँ ये वीडियो उसी पे है ना, हाँ, तो मैं देख एज रहा जंबो जट्स ही गया था. तो यार हूँ आई नाम आई भी क्रेजी रियली यार, जंबो जट्स ये क्या सीन है जंबो जट्स. यार हमारे बैंड का नाम था, हमारा बैंड जंबो जट्स. नो बट लाइक इट वाज अ रियली कूल थिंग. इट वाज अ स्क्रिप्ट रिटन बाय अंकुर तिवारी. सो यू नो आई डोंट नो आई होप एक दिन, आई थिंक हम बड़े हो चुके हैं लेकिन उस फिल्म के लिए अब ऐसे नहीं हो चुके यार. अभी तक हम 1920 तो प्ले कर लेते हैं कभी हाँ कभी. बड़े तो नहीं हुए हैं यार, हाँ कोई ठीक सीन है, नहीं है. तो एक दिन होपफुली क्या पता कोई चमत्कार. आई फील लाइक डूइंग इट अगेन, लाइक आई होप सो. इट इज़ अ लॉट ऑफ फन. एंड हाँ यार उसके बाद हम एज जम्बो जट्स हम टीवी होस्ट करने लग गए. स्टार प्लस पे एक शो आता था दिल्ली हिंदुस्तानी, उसके हम होस्ट थे. हाँ उसके बाद हम एक और शो होस्ट करने लग गए, यूट्यूब ओरिजिनल्स का पहला शो अराइव्ड. ओके ए आर रहमान जज थे, यू नो लाइक बहुत ही मतलब हेक्टिक सीन. तो इस पूरे प्रोसेस में ऐसा सबसे पहले म्यूजिक आया था, मतलब आपको इनिशियली यार वैसे म्यूजिक का क्या सीन है, मतलब वो कब पता लगा कि फिर कब मन करा कि मैं गाना बनाना चाहता हूँ या मैं गाना चाहता हूँ वो ऐसा. यार वो मेरे को एक्चुअली एक चीज थी जो हमेशा से पता थी. इट्स जस्ट दैट आई डिड नो हाउ टू गो अबाउट इट. जस्ट लाइक जब मैं बॉम्बे आया था मेरे को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बट एक्टिंग की वजह से मैं बॉम्बे आया क्योंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी. मतलब दैट्स दी ओनली थिंग दैट कुड ड्रैग ड्रैग मी टू दिस सिटी इन टर्म्स ऑफ आई कुडंट कम हियर विदाउट अ रीज़न. मेरा वो था ही नहीं कि मुझे बचपन से ही ऐसा कुछ करना है. मैं कॉलेज में था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा खासा मैं कुछ और ही, मेरी लाइफ कुछ और ही चल रही थी. देयर वॉज नो मेंशन ऑफ समथिंग लाइक दिस यू नो और इवन अ थॉट. इट वॉज जस्ट कि मेरे को चांस मिला, लाइक मुझे जब चांस मिला तो मैं आया. अगर मुझे म्यूजिक के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होता तो आई वुड हैव स्टार्टेड ऑन दैट अ लॉट सूनर देन एक्टिंग इफ आई हैड गॉट द चांस. बिकॉज आई टेल यू लाइक म्यूजिक इज माई बिगेस्ट लव, माई बिगेस्ट पैशन. लाइक आई लव एक्टिंग बट आई थिंक इट्स लाइक अ 49-51 काइंड ऑफ थिंग. ऑल्दो समटाइम्स आई फील लाइक इट्स कंप्लीटली 50-50 बिकॉज समटाइम्स द वर्क आई गेट टू डू इज हाँ, जस्ट बट आई गेस इट डिपेंड्स कि बट आई जस्ट आप थिंक इट्स एन ओल्डर इंटरेस्ट राइट. मतलब वो पहला प्यार टाइप हाँ है. पहला प्यार है हाँ ऐसा, वो लाइफ में वो मेरी लाइफ में पहले आया था, मतलब ऐसा कुछ हो गया ना इसका वो सीन है. तो बस वो सीन है. तो आप मेरे स्कूल वूल में नहीं गाते थे वैसा, स्कूल कॉलेज स्कूल में में गाता था यार, गाते थे ना. स्कूल मैं बैंड में मेरे पास गाता था. बहुत स्टोरी थी भाई स्कूल में गाने की. ऐसा सीन हुआ था, मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ आपसे कि मैं 8th में था या नहीं 7th 7th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे ना मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को हाँ गिटार लिख दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये तेरे लिए ऐसे ही. और मेरे कोई मैंने कभी बचपन से कुछ बोला भी नहीं कि मुझे गिटार चाहिए या सीखना है, ऐसे कोई इंटरेस्ट दिखा था ना बच्चा वैसा, पर हाँ उन्होंने ले दिया. तो मैं भी अगले दिन स्कूल ले गया कि म्यूज़िक म्यूज़िक जब क्लास होगी तो मैं लेके जाऊँगा, सर मुझे सीखना है. तो मैं गिटार लेके गया म्यूज़िक क्लास में, अंदर म्यूज़िक रूम था हमारे स्कूल के अंदर वैसा. तो मैं गया वहाँ पे ना, ए आर रहमान सर का जो गाना है मैं गया जहाँ वो सब, वो उसकी वो हाँ पूरा चला कोई ग्रुप लगा हुआ है गा रहा है, फिर इंडिपेंडेंस डे की परफॉर्मेंस है, उनको रेडी कर रहे हैं अपने आप को सब माँ लोग. तुझे सलाम. हाँ माँ तुझे सलाम हाँ ऐसा. तो मैं वहाँ गया एंड उसके बाद मैंने कहा सर गिटार, तो कहते हैं अभी आप वेट करो क्योंकि मैं वो कर रहे थे. तो एक वो जो हाई पिच वाला पार्ट नहीं है उसमें,
ये जो मैंने गाया है मैं गया जा भी वो जो मेन ऐसे ही कुछ था मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो मैं ना वैसे खड़े खड़े गुनगुना रहा था पीछे दूर खड़े खड़े हाँ। तो सबको रुकवा के मुझे बुलाया, मेरे को लगा ये तो मेरे को भाई डांट के भगा देगा कि तुम परेशान कर रहे हो हाँ। कहता थोड़ी तेज गाना, मैंने गा दिया। उससे मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे गाने पे जज करे, मैं अपनी नजरों में सिंगर नहीं था, तो मैं तो गाता ही बेकार हूँ। मैं तो ऐसा होता है ना कि पता होता है कि तुम थोड़ा बहुत भी गाते हो तो तुम्हें डर लगता है कि भाई वो तुम्हें बोलेगा कि अच्छा गा रहे हो बुरा गा रहे हो, मेरे को तो पता ही नहीं कि मैं गाता कैसा हूँ। तो मैं गाया वो तो उसको बहुत अच्छा लगा सर को, कहते हैं यहाँ खड़े हो जो गिटार बाद में सीखना। तब से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब से अपने स्कूल का सिंगर लीड बैंड सिंगर वैसा वैसा हो गया। फिर मैंने पर मेरे एक उसके आगे एक और स्टोरी भी है जिस वजह से मैंने छोड़ दिया था। क्यों 6-7 साल तक छोड़ दिया था मैंने। क्यों? मेरे को बहुत दुख हुआ था एक बात का, और मुझे वो बात अभी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली थेरेपी में रियलाइज हुई है कि मैंने क्यों छोड़ा था म्यूजिक। क्या हो गया ऐसा? ऐसा कुछ सीन था कि लड़की वड़की का कोई चक्कर नहीं था, ठीक है, कोई इतना मैं नहीं लगा था दिमाग में ये सब चीज़ें। बट एक बार क्या हुआ था, मैं सीनियर स्कूल में, ये कट टू 3 ईयर्स लेटर, सीनियर स्कूल में आ गया हूँ मैं। अब बड़े बड़े बैंड्स हैं एज वाले, 12-30 वाले बैंड्स के साथ हमें परफॉर्म करना है, कम्पीट करना है उनके साथ। वैसा कुत्ते भौंक रहे यार। हाँ कुत्ते हैं, भौंकेंगे यार बस। कुत्ते भौंक रहे तो और क्या करेंगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो कट टू 3 ईयर्स लेटर मैं सीनियर बैंड के साथ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ वैसा वैसा। तो एक दिन ऐसा है, मतलब एक वीक था, मैं मेरे को फीवर था तो मैं 2 दिन स्किप कर दिया स्कूल। तो मैं थर्ड डे गया ज्वाइन करने के लिए प्रैक्टिस। तो वो गाना कर रहे थे ब्रूनो मार्स का, मुझे याद है जस्ट द वे यू आर, वो कर रहे थे। तब तो 2 ही 3 आए थे। हाँ वैसा। तब मेरे को ये था कि मेरे को लिरिक्स नहीं याद हो रहे थे, तो तभी हमारी प्रिंसिपल चेंज हुई थी और वो चेक करने आ गई और मैं स्टेज पे हूँ, रन थ्रू चल रहा था। तो मैंने कहा मेरे को तो 2 घंटे लगेंगे याद हो जाएंगे यार, कोई टेंशन नहीं, परसों है ना अभी इवेंट, तो मैं गा दूंगा, लीड सिंगर मैं ही हूँ, 2 साथ के बंदे हैं वैसा, और पीछे 2 गिटारिस्ट 1 ड्रमर वैसा। तो मैं गा रहा था तो मैं ऐसे थोड़ा सा फंबल कर गया, मतलब लिरिक्स मेरे को इधर उधर हो गए 2-3। तो मुझे बुलाया नीचे, कहती यू आर आउट ऑफ दिस बैंड, प्रिंसिपल नहीं आई है 3 दिन पहले, वो मेरे को जानती भी नहीं है अभी। तो मैंने बोला मैम आई वॉज ऑन अ लीव, आई लर्न द लिरिक्स, यू कैन कम बैक इन लाइक आफ्टर 2 क्लासेस, जब मैं आपको सुना दूंगा पूरा एज इट इज़ वैसा, अगर आपको इतनी वो है कि कहती आई सेड यू आर आउट। तो मैंने बोला दिस इज़ माई बैंड, क्योंकि मेरा ही मतलब ऐसा था, मैं नहीं असेंबल कर रहा था भाई वैसा। उसने मुझे बोला दिस इज़ माई स्कूल। तो फिर मैं सोचा कि चल, उसने माइक ड्रॉप तो कर ही दिया है, तो मैं अब क्या ही बोलूं? कोई 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 तीसरा जज बचाने नहीं आया। फिर मैं मेरे को इसके घर में स्ट्रक लगनी चाहिए, रोटी चाहिए। कहाँ से सोता। फिर मैं निकल गया वहाँ से। हाँ। और मेरी काफ़ी टीचर्स में से बहुत क्लोज थी, जो मेरे से बहुत टाइम से जानती थी, तो मुझे बोलती रहती थी कि भाई क्या सीन। मैं बोलता था छोड़ दिया मैंने, अब नहीं करूँगा अब, ठीक है यार, मतलब बट ठीक है। उसके बाद मानोगे नहीं मेरे को कैसे वापस गाना है, मेरे 2 गाने 2 ओरिजिनल आ चुके हैं, मैं कवर्स आ चुके हैं इतने, अब मैं दोबारा क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा गाते हैं भाई क्या हो गया, शीशे आ गए सेल्फी मिरर को, मिरर सेल्फी के साथ गाने लग गया, 2-3 रील बना दी। मैंने कहा बढ़िया तो है, क्या ही सीन है। तो वो सीन है थोड़ा, बट मैंने मेरी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत शॉकिंग हुआ कि उनको मैंने स्टोरी बता दी कि मैं क्यों नहीं गाता, क्यों मैंने छोड़ा था। और क्योंकि ऐसा था, मैं सोशल मीडिया पे जब भी आया था मेरे को 1.5-2 साल हो गए थे, पर किसी को नहीं पता था कि मैं गाता हूँ वैसा, किसी को भी आइडिया नहीं था। तो ठीक है यार, एटलीस्ट सी द गुड पार्ट इज दैट बेटर लेट देन नेवर की रियलाइज तो हो गया। और पता है उस टाइम पे ना कुछ बातें इतनी बड़ी होती भी नहीं है, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हमें लगता है जो हमारे साथ हो रहा है वही प्रॉब्लम्स है भाई लाइफ में, और कुछ है ही नहीं। मतलब और अब लगता है कि भाई हर साल ये कर, आज की डेट में कोई मुझे बोले कि तुम बुरे एक्टर हो, तुम बुरा गाते हो, तो बोलूंगा अच्छा और मतलब एक दो चीजें और बता दे भाई, वेट कर रहे हैं वैसा, लाइक कम ऑन अभी तो है यार। बट हाँ यार, बट दैट्स अ ग्रेट। पर फिर आपको पता है दिल्ली में फिर ऐसा था ना कि कॉलर उठे ऊपर ही रहने चाहिए स्कूल में, दिल्ली में थोड़ा ऐसा था, मैंने भी वो लाइफ देखी नहीं, बट ऐसा कि दोस्तों में वो सबका एक स्मॉल ग्रुप होता था ना जैसा, या उसमें भी रहना था ना कि सच में बताऊं पता नहीं, आई थिंक एक चीज है वो इतनी अननेसेसरी है ना दिल्ली के बारे में यार, बहुत ये जो जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वो तो यार बहुत ही, वो तो फिर भी बहुत जनरल चीज हो गई है। जस्ट द फैक्ट दैट You have to level up every second that you hang out with people. मतलब वो एक pressure सा हो जाता है यार कि अपने लोगों को क्या prove कर रहे हैं हम रोज़ बैठ के, कि rather than मतलब you know
एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक अ फुल जनरलाइजेशन बट स्पेशली स्कूल में ना स्कूल में आई हैव सीन कि वो बहुत होता है क्योंकि यू आर स्टिल फाइंडिंग हु यू आर इट्स नॉट लाइक यू यू आर एक्सेलिंग एट एवरीथिंग सारे बच्चे मतलब 12-13 साल की उम्र में उनको थोड़ी पता है कि मैं अब इसी चीज पे फोकस करूंगा वो ये सोच रहे हैं कि भाई पेरेंट्स को साइंस चाहिए मुझे कॉमर्स लेनी है वो उनके टेंशन वो है वो कह रहे नोटबुक नहीं लाया टीचर बोलेगी क्या ऐसा ऐसा तो बट आई जस्ट थिंक पर उस समय है ना कूल बनना बचपन बच्चों का क्या दिमाग होता है उनको कूल बनना है ताकि वो ऐसा है कि कुछ तो होता है भाई मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है बस मतलब मेरा बस वो प्रॉब्लम है कि कूल बनने का यही तरीका है ये वो तो रॉन्ग है ही बट उस समय के आसपास के लोगों के लिए तो यही कूल होएगा होता है ना एज वाइज अगर हम सोचे हाँ, तो 15 साल के बच्चे के लिए तो यही कूल होगा ना कि क्लास से बाहर निकाला तो हंसते हंसते गया है वो समझ रहे हो उसको क्या पता कि बड़े होने के बाद कोई तुम्हें ऑफिस या किसी मीटिंग से बाहर निकाले तो तुम्हें कितनी बेइज्जती फील होती है exactly. ये डिफरेंस उसे नहीं समझ आएगा ना तो बड़े होकर समझ आएगा वैसा दिल्ली के स्कूल भाई क्या क्या मतलब मैंने पता है मुझे नहीं पता कि अगर मैं उतना ब्रेव आज की डेट में हूँ जितना मैं स्कूल में होता था यार हम मतलब हम क्या क्या लाइक क्या क्या कारनामे होते थे यार स्कूल में जो हम सोचते भी नहीं थे मतलब आज के टाइम पे अगर यू नो अगर किसी को ये करते हुए देख लो तो तुम्हें लगेगा यार क्या कर रहा है कैसे कर रहा है यार ये यू नो यू लाइक उस टाइम पे तो कुछ भी हो रहा है यार लोग स्पेशली लाइक सम रियली स्टूपिड थिंग्स जैसे होली आ रही है तो होली के 10 दिन पहले लोग कलर मार रहे हैं दिवाली आ रही है तो स्कूल में बम फटने शुरू हो गए हैं दिवाली आ रही है तो स्कूल में बम फटने शुरू हो रहे हैं जैसे बम फाड़ दिया तो तुम ही हो भाई बम फाड़ दिया तुम्हें स्कूल में मतलब तुमने पटाखा फोड़ दिया स्कूल में तुमसे कूल कोई है ही नहीं ये क्या लॉजिक है आई एम सॉरी बट मैंने फोड़ा यार बहुत अबे यार अब वो अब but, क्या ही है टेंशन फ्री लाइफ है भाई क्वालिटी कॉर्ड टीचर देख रही है सॉरी यार मैम लव यू यार नहीं बट एग्जैक्टली मेरे को भी तब तो हमें भी अम्यूजमेंट होती थी ना जब बम पड़ता था स्कूल में तो अलग ही सीन है स्कूल में कुछ भी हो जाए लोग एक्साइट सो जब बच्चे इतने कभी कभी पके हुए होते स्कूल में लाइट चली जाए तो एक्साइटमेंट लाइट आ जाए तो एक्साइटमेंट मतलब कुछ भी हो जाए यार कुछ भी हो जाए इसको मैंने इस वे में तो कभी सोचा ही नहीं कितना फनी लग रहा है अगर सामने से कोई बोल रहा है कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी हो सकता है गमला टूट गया ओ फोन पड़ा गया ओ मतलब तो सच में कुछ भी कुछ हो जाए ये चीजें मैटर करती थी हमें यार बड़ा फनी तो था स्कूल बहुत फनी था यार बट ये है कि स्कूल भी जरूरी है जैसे यार बहुत सारी चीजें समझ आती है बट कॉलेज में को लगता है ज्यादा जरूरी है इन द सेंस जरूरी इन द सेंस के एक्सपोजर कॉलेज में असली मिल पाता है क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि 6-7 साल से सेम बच्चे हैं तुम्हारे साथ देखो कॉलेज में तुम्हें यू गेट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड ना तो उसमें वही मैं बोलना चाह रहा हूं उसमें कोई तुम्हें तुम उस पिंजरे से बाहर आते हो पर तब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है मतलब तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहेगा तुम कैसे रहना है क्योंकि तुम 6 साल से तुम जिनके बीच में पढ़ रहे हो वो तो तुम्हें जानती है कि तुम हो नल्ले या वो तुम हो कूल उनके लिए तो तुम वही रहोगे 6 साल तक पर ऐसा है कि वहाँ जब कॉलेज में जब जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि हर जगह से अलग अलग बंदे आए हुए हैं अब इन पे न्यू इंप्रेशन हमें कुछ बनाना है वैसा आल्सो कॉलेज में समझ आता है कि एक्चुअली तुम्हारी तुम कहाँ हो तुम सच में हो कूल जो तुम्हें लगता है तुम्हारे दिमाग में क्योंकि फ्रेश स्लेट है उसको नहीं फर्क पड़ता कि तूने 9th grade में किसी फुटबॉल मैच में गोल मारा था उसको नहीं फर्क पड़ता कि तेरी हॉट गर्लफ्रेंड थी एक टाइम पे उसको पता ही नहीं है उसको फर्क ही नहीं पड़ता तो आई थिंक कॉलेज वो जो फ्रेश स्टार्ट होता है ना वो आई थिंक काफी लोगों को स्पेशली दिल्ली के लोगों को काफी हम्बल कर देता है हम्बल भी करता है और एक रियलिटी चेक मिलता है कि तो कुछ नहीं है घर पे बैठ अपने मतलब इन द सेंस कि हवा में मत उड़ वैसा जैसे मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस इतना अलग था क्योंकि एक तो मैं कॉलेज यहाँ पे नहीं गया मैं एकदम नई जगह गया और वहाँ किसी को नहीं जानता था मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा कि तो इट वॉज लाइक अ न्यू वर्ल्ड कि यहाँ कहाँ आ गया हो कि हर 2 मिनट में हाई नाइस टू मीट यू हाई नाइस टू मीट यू स्कूल में कभी हाई नाइस टू मीट यू बोला है चांस ही नहीं है लाइक इट्स लाइक दैट लाइक सो आई थिंक या दैट यू नो आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि मैं दिल्ली में स्कूल गया मेरे को भी बहुत खुशी है क्योंकि मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है ना दिल्ली के सब देख लिया भाई सब देख लिया कि तुम क्या ही बोल दोगे मुझे यार भाई वैसा मुझे अगर कोई भी कुछ बोले बुरा मेरे को ऐसा लगता है कि
यार ठीक है, अब वो वाली बात हो जाती है कि यार तेरा दिन बुरा जा रहा होगा, इट्स अब ओके, तो हमारे पे निकाल रहा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं निकाल रहा, कितनों ने बोला है तू भी बोल। हाँ भाई मेरा भी ऐसे हो चुका ऐसा हो कोई गया, सीन ही नहीं है, एंड आई नेवर थॉट आई वुड बी लाइक दैट, यू नो आई जस्ट। पर वही हमारे भी है, हम भी एक जर्नी में, हम भी अपने आप को रोज़ और नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं अपने बारे में, ऐसा कि हमें, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ कुछ कुछ सिचुएशन में मैं वैसे हाँ करूँगा लाइफ में, बट वो फिर एक होता है कि अपने आप समझ हो जाती है कि ऐसे ही करना चाहिए भाई इस बात हाँ पे, बट फिर ब्रो मतलब लाइक आई गेस यार तुम भी इतनी अच्छे से समझो, आई मीन टच वुड, यू आर डूइंग सम ग्रेट वर्क, थैंक्स ओके, यार। यू आर एट अ यंग एज यू मैनेज टू काइंड ऑफ, एक तो यू आर इन अ फील्ड दैट इज न्यू, इट वॉज ओनली मेड अबाउट 8-9 years ago, इट वॉज ओनली इन्वेंटेड 8-9 years ago, एंड टू बी एट लाइक अ लीडिंग फोर फ्रंट एटलीस्ट इन सम एस्पेक्ट ऑफ दैट इन दैट यू नो एनवायरमेंट इज अमेजिंग, बिकॉज यार सब लोगों की बस की बात नहीं होती है कि जब कुछ नया आता है तो उसको एकदम से अडेप्ट करने के लिए, लाइक फॉर यू एंड सब लोग यार, टू बी ऑनेस्ट योर होल ग्रुप, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू टू जस्ट काइंड ऑफ से दैट थैंक्स यार पूरी, आई एम टेलिंग मतलब यू लाइक यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है इन द सेंस, यू नो योर होल लाइफ यू आर टॉट कि ऐसे जिंदगी जीते हैं, यू नो ये होते हैं जॉब्स, ये ये होता तो है काम, अब हम आर्टिस्ट हैं फिर भी आर्ट क्या होता है, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, पेंटिंग, स्केच, देयर्स अ मिलियन फॉर्म्स ऑफ आर्ट, दिस इज ऑल्सो न्यू एंड दिस इज सो न्यू, एंड टू अडेप्ट एंड टू एक्चुअली काइंड ऑफ प्रॉस्पर इन इट इज वेरी डिफिकल्ट यार, एंड दैट टू व्हेन एवरीबडी इज डूइंग दिस ओनली, वैसा अब तो सबको दिख रहा, सब आ ही रहे हैं हाँ करने के लिए नहीं वैसा। यार वो तो एवरीबडी इज डूइंग दिस, फिर भी कितने ही लोग, हाँ बस यही है। मतलब कितने ही लोग अभी, जैसे सिंगर तो लोग हजारों साल से बन रहे हैं हाँ ना, वैसा 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 वो तो नहीं हो सकता, हाँ वो तो है, मतलब वो तो है। तो यू बट नहीं नो मेरा उसमें मैं बोलना था कि जैसे ऐसा है कि कुछ लोग बहुत डिमीन करते थे वैसा, हाँ मैं जानता हूँ उन लोगों को, मतलब मेरे जान पहचान के लोग वैसा डिमीन मतलब कि भाई क्या कैसे, कर रहा है ये, अरे फोन वोन पे वीडियोस बना रहा है ये सब, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम कुछ अच्छा चल लाइक रही है दैट, वैसा, कि तू क्यों नहीं जा हाँ रहा, पापा के ऑफिस भी नहीं जा रहा अपने, क्या सीन है वो, तो मैं बोलता था अभी मेरा मन भाई क्या हो गया तुम्हें, अब वो अपनी दुकान फैक्ट्री में बैठ के रील बना रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई बताओ क्या सीन है, यार वही होता तो वो है, सीन है थोड़ा, मतलब वो चीज़ की वजह से। बाकी मेरे को भी ऐसा था कि मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मैं सच बताऊँ तो भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मॉडेस्ट हो रहा हूँ, हम्बल हूँ बहुत हूँ ऐसा, बट ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब ऐसा है कि सब कर सकते हैं, बस तुम्हें मेरा ये सब, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ऐसा, हाँ तो मेरा मेन वही है कि मेरे को जो बच्चे बेचारे परेशान बैठे हैं और जो देख के परेशान है चीज़ें, तो मेरे को बस मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक तरह से वैसा, करेक्ट तो मेरा मतलब ही वही है कि इससे पहले जैसे मैं सोलो एपिसोड भी बहुत करता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं सोलो आके बातें कर लेता हूँ ऐसा, तो मेरे को थोड़ा उस वे में भी करने में मज़ा आता है कि भाई बंदे सुनते हैं कम से कम, हाँ यार नहीं सुन के अप्लाई डेफिनेटली करते हैं, मेरे को फिर DMs वो सब आते हैं कि भाई आप थैंक्स यार आपने हमारी हेल्प करी वैसा यार, वैसा, वो तो वो बात होगी ना, तो अगर तुम किसी को भी हेल्प कर रहे हो, मतलब किसी की भी किसी भी कैपेसिटी में, कुछ तो सही कर रहे हो हाँ ना, वो तो है। मतलब लाइक जैसे तुम्हारा तो बहुत ही अलग सीन है, इट्स लाइक अ मैसिव रीच, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट टू यू, अ लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू यू, सो फॉर लाइक अ फ्यू पीपल हु वॉन्ट टू लाइक यू नो शो यू अप, यू कांट जस्ट लेट एवरी वन डाउन, लाइक वॉट मैटर्स इज द गुड स्टफ दैट्स कमिंग इन राइट, वो तो ऑब्वियसली हर जगह तुम कुछ भी अच्छा कर लो यार, 3-4 लोग तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे अबे अबे जा, ये तो है इट्स लाइक यू नो हाउ इजी इट इज टू क्रिटिसाइज एन एक्टर, मतलब किसी को नहीं पता वैसा मैं कि मजाक टीम नहीं कर रहा, पता है कितना आसान होता है एक एक्टर को बोलना कि इसमें एटीट्यूड है, इतना इतना आसान, अगर एक एक्टर ने, अगर एक जेनुअनली एक कोई प्रॉब्लम है सेट पे जिसमें कुछ बॉदर कर रहा है उसको और वो नहीं कर पा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स इट्स अ रियली प्रेशराइजिंग जॉब, यू नो यू हैव यू आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तुम उस पूरे प्रोसेस के बहुत छोटा टुकड़ा हो तुम, बट बात ये है कि तुम दिख रहे हो ठीक है, एंड सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हाई प्रेशर, एवरीथिंग इज़ यू नो हाई, मतलब बहुत चीज़ें शूट करनी होती है एक दिन में, यू नो महंगा होता है सब कुछ, अगर वो नहीं हो रहा है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ही इज अनकंफर्टेबल विद समथिंग, इतना आसान है ना बोलना कि ये टैंट्रम है, ये टैंट्रम है, ये
और मतलब ऐसा होता है कि आपको, आप जो ये बात बोल रहे हो, तो बाहर के लोग या फिर उसी अंदर, जैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर के लोग भी तो यही सेम चीज़ अज्यूम करते होंगे, क्योंकि नो सी सबसे इतना सब पहली बात, अगर उसको कुछ पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है, किसी एक्स वाई जी चीज़, एक्स वाई जी चीज़ से प्रॉब्लम है उसे जो उस समय सी हो रही है उसके हाँ आसपास, करेक्ट तो बाहर के लोग तो चलो ऐसा सोच देख के सोचेंगे, या फिर कभी मीडिया ने जो बोल दिया वैसा सोच लेंगे कभी कि भाई वो ऐसे एटीट्यूड में चले गए, या फिर ऐसे जो, या बीटी कुछ प्रॉब्लम है उन्हें, हाँ बट ऐसे आसपास के लोगों से भी तो वाई वो वाइब लाइक आती है ना इवन वैसा। इवन इवन लाइक यू नो आई गेट रियली दिस थिंग लाइक आई गेट रियली अफेक्टेड बाय थिंग्स व्हेन आई सी पीपल राइलिंग एक्टर्स अप इन पब्लिक. जैसे आप उनको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो और फिर जब वो गुस्सा हो रहा है तो आप बोल रहे हो अरे गुस्सा कैसे हो गुस्सा गया कैसे हो यार, गया। इंसान ही है. मतलब जैसे मैंने दोनों साइड से देखा है. मैं जब एडी था तब मैंने देखा कि कितना मुश्किल है ये काम, और फिर जब करने को आया तब तो पता ही चल गया कि कितना मुश्किल है ये काम. तो इट्स लाइक यू नो इवन एट दैट टाइम यू नो यू रियलाइज दैट इट्स नॉट यू नीड टू बी इन अ सर्टन फ्रेम ऑफ माइंड टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि उस बाद में ना ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी किसी को. लोग पिक्चर या देखेंगे और उतना ही याद रहेगा कि इसने कैसा किया है. हाँ कि बहुत बढ़िया लगा या सो फिर वैसा, हाँ यू नो क्योंकि ऐसा है कि तुम सबको सबको खुश तो कर ही नहीं सकते भाई, तुम अपने आप को खुश करोगे तो आधे वैसे ही नाराज हो जाएंगे हाँ तुमसे, एग्जैक्टली पूरा उसूल ही यही है लाइफ का मेरे को लगता है, कि तुम अगर अपने लिए थोड़ी सी भी चीज़ कर लोगे ना, तो तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट बंदा भी अगर तुम्हें बोल देगा कि सेल्फिश है भाई तू, हाँ दैट्स द थिंग. वो वो तो किसी ना अपने किसी वो, को तो किसी हाँ ना किसी वही को तो तो कुछ है बोलना ही है. वो तो एंड है। आई थिंक नाउ आई रियलाइज यू शुड जस्ट फोकस ऑन द पीपल हु काइंड ऑफ लेट यू डू योर थिंग. यू नो ऑफकोर्स इफ यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर देर शुड ऑलवेज बी सम फ्रेंड्स टू टेल यू कि यू नो कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई ये गलत है. बट पसंद ना आना कुछ और गलत में बहुत फर्क है. मतलब ये तो ओपिनियन है, और मॉरल में बहुत फर्क है. ओपिनियन और मॉरल में बहुत फर्क है। हाँ हाँ क्या यही बात है, सही बात है एकदम। तो यू नो आई जस्ट थिंक दैट इसीलिए अब तो इवन यार सोशल मीडिया मतलब मैं आई एम वेरी न्यू टू इन द सेंस आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ क्रिएटर एज सच लाइक अ डिजिटल क्रिएटर एज सच, क्योंकि आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट. मैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को गाना गाना आता है तो मैं गाना गा के डालता हूँ. मतलब वैसा वाला सीन है. उतना ही है कि अगर अगर कुछ मुझे फनी दिख गया तो ऐसा होता है. बट यू नो फॉर पीपल हु डू दिस एवरी डे, पहली बात तो बहुत टाइम जाता है भाई. मैंने देखा है लोगों को बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत जाती है. टाइम तो जाता है। इट्स 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 अ हार्ड थिंग ऑल्सो. इट्स अ बिजनेस नाउ दैट यू कांट मेस विद. मतलब काफी मतलब ऐसा है कि एक तरह से मेरे दोस्त ने मुझे एक एक बोला था रिसेंटली कि भाई मेरा सोशल मीडिया मेरी दुकान है यार, तो हाँ एक तरह से बात ही वैसे ही है। तो पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो इतना मुश्किल नहीं है, कोई साइंस ऐसा कोई कोई साइंस वाइंस नहीं है कि अब तुम नहीं कर पाओगे करेक्ट वैसा, करेक्ट बट वैसा है कि तुम्हें बस ऐसा होगा कि जैसे लोग तुम्हें देख रहे हैं, हाँ जो उनका एज ग्रुप से हो गया है, उनका जो कहीं से भी है वो लोग, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा, तो मैं उनको वो देना है वैसा। बट मेरे को हाँ मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ ये, मेरे को मतलब मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ भाई, मैं खुले में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को पता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यार मेरा काम है मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं बट ऐसा है नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के लिए मैं जिन जैसे लोग मैं चाहता हूँ ना आए, वो देर से आए पर मेरे को चाहिए भाई भाई, तो जो अभी जो ये जिन जो बाकी चीज़ें करने से जो लोग आने वाले हैं ना, मेरे को वो चाहिए नहीं लोग, तो मैं वो चीज़ें कर ही नहीं रहा वैसा। वो यार देख वो भी एक फेज की बात होती है टू बी हाँ ऑनेस्ट. मतलब आई थिंक अभी लाइक डोंट सेट अ कंक्लूजन ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि हर 3 महीने में इंसान की थिंकिंग बदल जाती है. ये तो है। ठीक है अभी तुम ये कह रहे हो 3 महीने बाद तुम जाओगे यू नो आई वॉन्ट दिस ऑल्सो, आई वॉन्ट दिस ऑल्सो, आई वॉन्ट दिस ऑल्सो, आई एम गोइंग ऑल आउट यू नो लेट्स मैक्सिमाइज दिस. जैसे अभी ये ऑडेसिटी पॉडकास्ट हमने अब किया है, नाउ दिस इज समथिंग यू आर एंजॉइंग. ओके नाउ यू विल बी लाइक ओके इज देयर अ स्मॉलर फॉर्मैट दैट आई कैन डू विद दिस, ओके विच विल बी इंजॉयबल, इज देयर अनदर फॉर्मैट, इज देयर यू नो डू यू वॉन्ट टू डू एन इंटरैक्टिव थिंग. आई थिंक फॉर यू गाइज स्पेशली तुम जहाँ से भी अपना कॉन्टेंट लाओगे बिकॉज यू आर सो इंगेज विद योर ऑडियंस, आई थिंक तुम्हें तो अब दिखाना ही पड़ेगा ब्रो. वो तो है यार,
मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ, मतलब लॉजिक तो आपकी बात में ही है, मेरी बात तो हाँ मतलब थिंग्स टू से एंड पीपल वॉन्ट टू लिसन टू देम, तो आई थिंक इट्स लाइक इट्स अ विन विन दैट यू कांट एस्केप. मतलब अगर इसको इस तरह से आपने बोला तो मेरे को फिर समझ आ रहा है कि हाँ अगर मेरे को अपनी बात ही पहुंचानी है उनकी तरफ तो किसी भी तरीके से पहुंचाऊं ना. एग्जैक्टली, पर्सपेक्टिव की तो बात है यार, वो तो है. तो यू नो आई थिंक फिर आई एम सेइंग डोंट पुट लाइक वो नेवर से नेवर वाली बात हो जाती है. हाँ वैसा आई टोटली गेट यू. क्या पता उस चीज में आज मजा नहीं आ रहा है बट कल आ जाए. हाँ हो सकता है. और क्या पता मेरे को ऐसा लगे कि सामने वाले यही चाह रहे हैं अब तो करना ही चाहिए वैसा. वो सब वो भी होता है यार, दैट्स अ मैसिव पार्ट ऑफ इट. जो भी मतलब टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत ऐसे ब्रेवरी चाहिए कि बिल्कुल मैं ऑडियंस के बारे में सोचूं ना, यू नो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको रीच नहीं मिलेगी, अगर आपको वो होता है ना कि आप ब्रिलियंट पिक्चर बना सकते हो लेकिन अगर किसी ने देखी नहीं है तो फायदा नहीं है. मतलब तो हो ही जाएगा यार. हाँ हो तो जाएगा यार. और मेरे को मैंने अभी आपकी रिसेंटली मूवी देखी, हाँ, शर्मा जी नमकीन, और मेरे को क्या मज़ेदार मूवी लगी भाई. मैं तो दिल खुश हो गया देख के, सच में बहुत खुश था. हाँ. और आपके कुछ कुछ की डायलॉग्स है उसके अंदर जो मेरे को याद है. एक तो गाड़ी वाला मैं यहीं उतर जाता हूँ वैसा. हाँ, यार और वो, एक तो वो था एक कुछ एक और चीज थी यार, वो आंटी के साथ आपने वो कुछ तो था एक उनके घर पे खाना खाने के जब बोल चिकन कच्चा था. हाँ चिकन कच्चा था वो वाला. हाँ यार एक्चुअली वो आपको कैसा एक्सपीरियंस था मतलब उसमें, मतलब काम करके जो जो लेजेंड के साथ आपने एक काम किया है उसमें, दो लेजेंड एक लिविंग लेजेंड के साथ आपने परेश भाई, अनरियल. तो क्या आपका वो था अनरियल एक्सपीरियंस यार. मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे को, मतलब मैं तो आधे टाइम तो डिनाइल में था कि आई कांट बिलीव मेरे को ये, क्योंकि जब जब मैंने ऑडिशन दिया था आई थिंक मैं 22 साल का था एंड वी स्टार्टेड शूटिंग दिस वेरी अर्ली ऑन. ओके, यू नो आई रिमेम्बर 2018 में हम शूट कर रहे थे. हाँ, 2018 या चार साल पहले. हाँ चार साल पहले तो हम शूट कर, एंड दिस फिल्म वॉज सच अ नाइस ब्यूटिफुल स्लाइस ऑफ लाइफ थिंग एंड इट वॉज ऑल्सो लाइक एट द टाइम इट वॉज लाइक माई फर्स्ट चांस टू बी इन अ यू नो फिल्म लाइक दिस. यू नो जब मुझे बताया कि ऋषि कपूर जी होंगे और ये, तो मैं तो अरे चलो. तो यू नो इट वॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी स्केर्ड एंड ऑब्वियसली गोइंग थ्रू इट. हम जैसे जैसे शूट करते गए, यू नो डिस्पाइट एवरी ऑब्स्टिकल इन द वर्ल्ड, मतलब जितनी प्रॉब्लम है ना, इस फिल्म को सबने हिट किया. लेकिन आई एम सो हैप्पी कि ये फिल्म रिलीज हो गई यार. यू नो फॉर इवन हितेश सर आर डायरेक्टर, इट्स हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल, उनके लिए तो कितना टफ होगा. लाइक इमेजिन द स्ट्रेस ऑन द प्रोडक्शन, द डायरेक्शन, द होल क्रू. आई डोंट नो हाउ मेनी न्यू क्रूज वी हैव गॉट, यू नो अ डीओपी इज चेंज्ड, एवरीथिंग. लाइक यू नो वी हैड टू रीशूट अ लॉट, वी हैड टू स्टॉप अ लॉट, वेदर इट वॉज अ पैंडेमिक, वेदर इट वॉज ऋषि जीज हेल्थ, वेदर इट वॉज देन I remember we had to stop again because we didn't start or something on time because Paresh ji also got COVID. You know, it was just I don't know how. I believe that agar ye picture khatam ho sakti hai, to kuch bhi ho sakta hai. Matlab that this is what you call willpower. Bas matlab intention hona chahiye, sab ho jayega. Ke karna hai to karna hai waisa. Mazak nahi kar raha. Meri is film ke baad na. Just seeing this happen, even though I am a very, very small part of that film, I just, you know, that faith restoration jo ho jati hai na, like it restored my faith in ki things do work out. Yeah, if you truly believe in them, toh pakka ho jata hai. Of course, it was heartbreaking, yeah, to lose Rishi ji, you know, almost a little after midway the film, but you know, whatever time we spent with him was amazing. Like इतना कुछ सीखने को मिला और यार लेजेंड के सामने बैठ के काम करने को मिला. क्या ही और इससे बेटर हो सकता है. और उसके बाद एक और लेजेंड के सामने बैठ के काम करने को मिला. यू नो आपकी लाइफ फ्लैश हो जाती है कि आप सोचते नहीं हो कि कितनी चीज़ें आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इनसे आती हैं. हाँ तो बेसिकली वही मैं वही कह रहा था कि हम भूल जाते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है इनका हमारी लाइफ पे.
वो ऐसा और कोई याद आ रहा है? घूमे तो उससे सोचने की कोशिश कर रहा यार, पता है? ओके, फर्स्ट टाइम आई मेट शाहरुख खान, ठीक है ब्रो, माय लाइफ फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब आई हैव नेवर बीन स्टारस्ट्रक बाय एनीवन लाइक दैट. पहली बार मिला एंड ब्रो ही इज, मतलब ही केम एंड सेड हाय आई एम शाहरुख. आई एम लाइक यस आई ऑफ कोर्स यस वी नो. एंड एंड He's such a warm, amazing, super smart person. I've never seen a person like this. I've never met him, but I've been on a set where he's the like main thing. वैसे मेरे एक ad shoot था, तो मैं उसमें UPM था, production manager था, unit production. हाँ वैसा. तो मैं ये था कि इतनी दूरी पे थे, but ऐसा मैं मिलना, मेरी बहुत फटके छे हुई थी भाई ऐसा. Bro, it's like उनको तो मैं मिला and I was just like, bro, puri life, like he is the, ek to he talks to you in a way that he makes you feel important. You probably, like when you meet Shah Rukh Khan, you probably think that I am nothing. Like this is Shah Rukh Khan, okay? And he talks to you and he's so warm and he's got such charisma that he makes you feel like the most important person in the room when he talks to you. And that, and you, us process mein you forget that you're talking to कोई भी रेफरेंस ले ली. सच में यार, लाइक बचपन से बोला यार शाहरुख खान मत बन, शाहरुख खान बनना है या फिर ऐसा. मतलब कितने लोग तो यही करते हैं भाई ऐसा उनका. इट्स लाइक यार एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, हिज डायलॉग्स, हिज जस्ट हिज बीइंग यू, हिज इंटरव्यूज, एनीथिंग ब्रो. यू फॉरगेट दैट दिस पर्सन हैज दिस इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ दैट यू डोंट इवन नो अबाउट. लाइक ऑल्सो फॉर द मासेस, के मतलब सब इक्वली इतना ही वैसा फील करते हैं. कल परसों, नहीं कल परसों, पिछले हफ्ते एक जगह में था, तो वहाँ पे किसी ने, मतलब ऐसा वाला हो गया कि तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, ठीक है. अब द थिंग इज दैट्स स्टिल, इट्स नॉट शाहरुख खान्स लाइन, बट इट्स पार्ट ऑफ कुछ कुछ होता है, इट्स परजान्स लाइन, परजान, ठीक है. यू नो इट्स लाइक एवरी सिंगल बिट ऑफ दैट इज लाइक He's changed the meaning of the name Rahul, bro. Like, yeah. Rahul ko to alag hi, Rahul to kuch aur hi hai puri duniya mein aisa. Like, there's no, it's like, there are so many things that are just, for example, nobody else can be called Shah Rukh Khan, like, convincingly. Yeah. Like, you know. कोई वो नाम pull off नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से भी दुनिया में. Bro, for example, अब मैं Starbucks जाता हूँ, ठीक है. कभी लाइफ में उन्होंने मेरा नाम तारुक नहीं लिखा है. कभी लाइफ में नहीं, मतलब तारिक, शाहरुख, तुराफ, कुछ भी, मतलब तौफीक, मतलब कहाँ कहाँ के. मैं फिर तारुक रायना, मैं फिर टी आर लिखवाता हूँ. एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैं आई स्टार्टेड हैविंग फन विद इट. मैं जॉन स्नो लिखवाता था. मैं ट्राई करने वाला हूं. तो चिल्लाता है कि कैपुचिनो फॉर जॉन स्नो. और पूरा कैफे देखता है कि क्या कुछ रैगनार लिखवाऊंगा वैसे जाके. हाँ भाई कुछ ऐसा. बट तो हाँ, लाइक अबे ये सब भी तो बहुत, ये भी तो एक ऐसा है कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसा, जब फनी कॉमेडी चीजें हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे भी तो करते हैं कितनी ज्यादा वैसा. एग्जैक्टली. तो मैं ये वैसे पूछना चाहता हूँ कि कभी सोचा हमने शॉर्ट फॉर्मेट में आने का, वीडियो कॉन्टेंट वाले में? क्या बात कर रहे हो, बताओ बताओ. हाँ यार, मतलब ऑफ कोर्स, अगर अगर मेरे को सही लोग मिल जाए यार, यू नो, अगर मेरे साथ सही लोगों का बेसिस बताओ मुझे एक बार. पता नहीं यार, ब्लैक टी शर्ट वाले मस्त होते हैं यार. तो फिर मैंने भी ब्लैक ही पहना है तो बताओ. ओ नहीं, ये और कुछ है क्या? और कहीं सब लिखा हुआ है कहा कि दिल्ली से होने चाहिए वो लोग. हाँ यार, बेटर बेटर, मैं दिल्ली से हूँ भाई. ओ, और कोई टिक बॉक्स है क्या? और यू नो पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है.
अभी आपके सामने बैठे होना चाहिए ना, मतलब हाँ एग्जैक्टली exactly. ऐसे यू नो बात करना आना चाहिए यू नो आपके सामने, यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन है ना फिर, मतलब मतलब हाँ. तो फिर क्या हम क्या बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो कौन हो सकता है यार. मेरे को लगता है कि आपको मेरे साथ कर लेना चाहिए फिर ऐसा कुछ. मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई सीरियसली. या डन ठीक है यार, मुझे सोचने दे. चल ठीक है बनता है ना सिस्टम सॉर्ट हो जाएगा हमारा मुझे लगता है. ऑफ कोर्स आई थिंक हमें करना ही चाहिए. कन्विंस कर दिया ना मैंने आपको. हाँ हाँ 100% पक्की बात. हाँ एक हाँ हाँ ब्रो सही है. हम कुछ तो कर रहे हैं पक्का, कुछ तो कर रहे हैं हम फॉर श्योर, कुछ कर रहे हैं फॉर श्योर फॉर श्योर. मेरे को बहुत कुछ सीखना है आपसे क्योंकि अभी मुझसे सीखना है. हाँ भाई मुझसे क्या सीखेगा. अरे मतलब वैसा यार बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी आपको एक दो चीज सिखाऊंगा साथ में. वो मतलब तो ठीक है, बार्टर तो कोलैब है ये, बार्टर कोलैब. अबे तो मतलब क्या है, इतना ज्ञानी तो हुई थी मैं. अरे ज्ञानी नहीं पर आपके एक्सपीरियंसेस भाई ऐसा वो, आप बस मॉडेस्ट हो रहे हो. मेरे को पता है कि आप बहुत ज्यादा ही देखिए अपनी चीजें, आपने बहुत टैलेंटेड हो आप क्योंकि मैं आपको जानता हूँ वैसा. और मेरे को ऐसा लगता नहीं क्या, अरे तारीफ़ें क्या, सच बोल रहा हूँ मैं. कभी ऑडेसिटी है भाई, मेरे ऑडेसिटी है सच बोलने की. ओह द ऑडेसिटी. तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जितनी बार भी आपसे बात करी है ऐसा बहुत हम्बल और वैसा इतना एक आपके बात करने के तरीके से मुझे सीखने को मिल जाती है चीज़ें कि भाई ये बंदा कितना आराम से प्यार से बात समझा रहा है मेरे को कोई वैसा. यार थैंक यू यार. तो आप ब्लश व्लश मत करो, वो तो ठीक है होता रहेगा ऐसा. भाई की तारीफ नहीं करेंगे तो भाई की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई. मतलब यार वही तो बात है, जब देखो ना भाइयों में क्या होता है, अगर ज़्यादा स्वीट हो जाओ ना. हाँ तो फिर क्या कुछ किया है मैंने गलत. कोई नहीं फिर गाली भी भाई भाई कोई पड़ती है. exactly. देख लिया बहुत सारा गाली यार, वो नॉर्मल होता है फिर. जैसे अगर मेरे जो मेरा ग्रुप है ना, जैसे मेरे कोई बहुत ही अच्छे दोस्त लाइक यू नो माय बेस्ट फ्रेंड्स, वो मुझे ऐसे बोलते ना ब्रो डू यू नीड एनीथिंग, तो लगता है कि तू दास है क्या. मतलब मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तू दास है क्या, ठीक है सब. मतलब वो अलग बात है कि कुछ भी चाहिए हो तो आ जाएंगे, बट वो जब एक्स्ट्रा कर्टियस हो जाते हैं तो मुझे शक होने लगता है ब्रो. जब तक गाली देके ना बोला तब तक क्या फायदा. आजकल मेरा एक दोस्त है वो मेरे को ना जानबूझ के परेशान करने के लिए मेरे को बोल रहा है लव यू ब्रो, लव यू ब्रो. आई एम लाइक चार टाइम मारूंगा ठीक है, दूर हो जा. मतलब पर मैं तो बोल देता हूँ भाई, मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ लव यू यार, कोई टेंशन नहीं वैसा. नहीं यार वो वाला नहीं है. एक सेकेंड, मेरा गला बहुत खराब हो रखा है तभी मैं ज्यादा बोलना भी चाह रहा हूँ. वो वाला नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू. अच्छा ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो गई है. समझ गया. बट ऐसे नॉर्मली वैसा मुझे तंग करने के लिए ब्रो, बस मुझे मेरा दिमाग घुमाने के लिए बस कि क्या हो गया है. क्योंकि ऐसे कब भाई वो बचपन के दोस्त होते हैं ना, बचपन के दोस्तों के साथ तुम मतलब इतना वो तुम इतने इनफॉर्मल हो जाते हो. तुम्हें उनको उन्होंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है. देयर इज नथिंग यू कैन हाइड फ्रॉम देम, देयर इज नथिंग. बचपन के दोस्तों का रहना ऐसा होता है कि तुम अपने साथ ही रह रहे हो क्योंकि तुम पूरे टाइम जब तुम अपने आपको डिस्कवर कर रहे थे वो साइड में बैठा था. वो साइड में बैठा था. तुम उसको क्या नया चैप्टर पढ़ा दोगे जो उसने नहीं देखा है. वो तो है. तो वो जब ऐसे हो जाते हैं ना कर्टियस से, जब उनमें शर्म दिखती है तो अजीब लगता है भाई. लगता है दोस्ती में दरार आई है, क्या हो गया, किसने तुम्हें क्या बोला है, बताओ मुझे मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है ऐसा. ये तो बहुत होता है वैसे. लोग कुछ भी बोल देते किसी के बारे में भी, तो फिर बेचारा उस बंदे को पता ही नहीं उसके बारे में क्या बात हो रही है और वो कहता है कि अब मैं कैसे डील करूँ इस चीज़ से. तो मेरे को बहुत लोग इस बात से ही परेशान आते हैं, मेरे ऑडियंस ही बोलती है कि भाई हम कैसे डील करें ऐसी चीज़ों से कि हमें हमारे आसपास के लोग छूट रहे हैं और हमें पता ही नहीं क्यों छूट रहे हैं वो लोग. तो यार तो मैं क्या ही समझाऊँ. मैं आई ऑल्सो थिंक दैट इट्स यू नो लाइक स्पेशली फ्रेंडशिप इज एन एफर्ट यार. मतलब इट्स एन एफर्ट यू हैव टू मेक. इट्स नॉट मतलब देखो चॉइस नहीं है कोई. मतलब वैसा अगर तुम्हें दोस्ती रखनी है तो फिर तुम्हें निभानी पड़ेगी ना, सीधी सीधी बात है वैसा. यार एक बात होती है कि इतने अच्छे दोस्तों की यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट सही टाइमों पे ना यू शुड बी देयर. मतलब वो बात होती है कि यू शुड मतलब आई थिंक इट्स एन एफर्ट. लाइक यार एवरीवन्स लॉस्ट फ्रेंड्स, यू नो एवरीवन्स गॉन आउट ऑफ टच विद समवन. सबका होता है यू ड्रिफ्ट अवे एक टाइम पे. तुम कुछ टाइम पे मतलब, कोई रीजन ही नहीं होता है बस, कोई रीजन ही नहीं होता है. बट आई थिंक वो यू नो देयर इज अ वे टू ईदर यू आउट लाइक यू नो यू वांट टू चेंज योर एनवायरनमेंट ओनली और यू थिंक दैट यू नो यू विल बी हैप्पियर विदाउट अ सर्टेन पर्सन इन योर लाइफ व्हिच इज आल्सो रेयर, व्हिच समथिंग वेरी एक्सट्रीम हैज टू हैपन कि अगर वहां तक पहुंच गए. बट आई थिंक
अगर तुम एफर्ट वो कर सकते हो ना, थोड़ा सा एफर्ट लगता है लेकिन कर देना चाहिए। मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपने अपने दोस्तों के लिए थोड़ा और कुछ, मतलब यू नो जस्ट जस्ट अ कॉल, यू नो बिकॉज, क्योंकि वो वाले दोस्त जो होते हैं ना जब व्हेन थिंग्स गो बैड तो वही आते हैं भाई, तो वही आते हैं सबसे पहले, वही आते हैं। हाँ, नए भाई वाले जो तुम यू नो जो जो किसी वजह से तुम्हारे साथ हैंग आउट कर रहे हैं वो नहीं आते तब, लाइक तब वही आते हैं जिनको अनकंडीशनल वाला होता है वो, कि यार। और पता है वो बात भी ऐसी है कि वो हमें बहुत गिने चुने लोगों से मिलती है। हाँ। मतलब ऐसा है कि प्यार सबसे कर सकते हो, तुम में सब प्यार कर सकते हैं, पर वो एक बात होती है ना कि ये खड़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत कम लोगों से मिलती है, और हम भी ऐसा नहीं है कि हमें मिलती कम लोगों से, हम देते भी वो कम लोगों को है वो एक्सेसिबिलिटी। हम अपने लिए भी किसी को नहीं देते ना कि कोई हमारे लिए इजीली, हमारे को इजीली आके अवेल कर जाए वैसा। ऑफ कोर्स यार, इट्स आल्सो आई आल्सो थिंक दैट यू नो इट्स अ वेरी बैड कल्चर दैट वी हैव ग्रोन अप इन वेयर गाइस डोंट टॉक टू ईच अदर। या यू नो हम एक दूसरे से तब बात करते हैं जब चीजें इतनी बुरी हो जाती हैं कि आंसू निकल रहे हैं, फट के छे हो गई तो वही याद आती है वैसा, वो अपने दुख सुना लेगा वैसा। दिस होल थिंग अबाउट कि भाई लड़के ये सब नहीं करते, लड़के वो सब नहीं करते, हम खुद देख लेंगे यार, अपने आप देख लेंगे, खुद देख लेंगे। और ठीक है, आई गेट कि एक हद तक तुम देख सकते हो, बट यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि इंसान मतलब आजकल के प्रेशर्स और स्ट्रेसेस में ऑलमोस्ट दब जाता है यार। मतलब you know you're left as a shadow of your original self, which is I think that sort of should change, like you know it feels weird at the start. मतलब ऐसा है कि दिल में बात है तो बोल दो भाई, तुम्हारा ही बोझ हल्का होगा और किसी का कुछ जाएगा नहीं ना वैसा, तुम्हारे सहते रहते हैं सहते रहते हैं वैसा सीन है बस। वो तो बहुत है, और आजकल के तो पता है, आजकल मैंने देखा कि उनके लिए जैसे हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारी प्रॉब्लम्स हम बचपन में थी हमारी प्रॉब्लम्स, पर अब बच्चों के लिए और प्रॉब्लम्स अलग है थोड़ी। या सोशल मीडिया के आने का स्पेशली प्रॉब्लम्स उनके लिए बहुत अलग है यार। और चीज़ें इतनी एक्सेलरेट हो गई हैं सडनली, मतलब बिकॉज दे हैव दैट एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड वेरी सून। मुझे ऐसा लगा था हमें थोड़ी थोड़ा लेट पता चला था कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये तो हमें तो ये बात फिर होना था कि आज बेन 10 नहीं आ रहा रात को 7:30 बजे, समझ रहे हो मैं क्या कितनी फर्क की बात बोल रहा हूँ वैसा। चाहे मेरे को रोज नहीं होता था, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल, कि हमारे फेवरेट कार्टून रोज 7:30 बजे आता है, आज नहीं आ रहा वो यार हमारी बस बीटी, ये तो छोटी सी बात है। उस टाइम पे कभी सोचा था कि तुम ऐसे शब्द बोलोगे जैसे ट्रांजिशन और एडिट? हाँ वही 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 सेम, और ये लोग कर रहे हैं रीच, एंगेजमेंट होती है शादी के पहले, उतना ही है, उतना ही पता था। मतलब यू नो लाइक इट्स इनसेन यार जो द प्रेशर दे डील विद टुडे। आई मीन ठीक है अपने टाइम पे सबका उतना ही लगता है, बट अब तो इतना वो सब, इट्स जस्ट एन ओपन वर्ल्ड, यू आर जस्ट लाइक कि यार कैसे कर रहे हैं ये लोग। बट इस पूरे साइकिल में, इस पूरे प्रोसेस में ये बात भी है कि उनके ज़्यादा प्रेशर इसलिए क्योंकि पहली बात वो बेटर है हम लोगों से। हाँ। मेरे हिसाब से, मेरे को ये मेरा थिंकिंग है कि वो एक अपग्रेडेड वर्जन हमेशा बेटर ही होता है 100% वैसा। और दूसरा कि हम उनकी भी थोड़ा पार्ट समझते हैं। हाँ। हमारी जनरेशन और हमसे ऊपर वाले की भी थोड़ी पार्ट समझते हैं, तो हम काफी न्यूट्रल रहते हैं यार, क्योंकि आई थिंक दैट्स द थिंग अबाउट 90s किड्स ना। हाँ, थोड़ा भाई भाई थोड़ा वी वर, हम ट्रांजिशन के बच्चे हैं। हाँ, हम बीच में जब एरा चेंज हो रहा था तो हम बीच में, वहां पे हम बीच में, हम बीच में फंस गए हैं, तो हम आधे इधर हैं आधे उधर हैं वैसा, यू नो। और अभी भी ऐसा है, मैं अपने अपनी एज के लोगों से मिला जो वैसा बनना चाहते हैं, और वैसे भी मिलो जो वहां तक टच भी नहीं करना चाहते वैसा। करेक्ट। जो डिनायल में जी रहे हैं कि जो हमने बचपन में देखा है वही सच, वही अच्छी बात है भाई। हाँ यार। तुम तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये सब क्या है, मैं नहीं देखता ये सब ऐसा, समझ रहे हो। बट यार वो भी है ना, वो तो पैदा ही हुए हैं उसके साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आज 3 साल का बच्चा आईपैड चला रहा है, तो उसकी थोड़ी गलती है कि वो अभी पैदा हुआ है जहाँ दिया है। मतलब उसके पेरेंट्स जो ऑलमोस्ट 90s हो सकते हैं, अगर वो बच्चा 3 साल का है अभी, तो ऐसा हो सकता है उनको ही पता है, वो लोग समझ गए हैं कि भाई अब उसके हाथ में खिलौने से अच्छा ये दे दो भाई। नहीं बट आई एम सेइंग अच्छा या बुरा तो अलग है, अब उस बच्चे की गलती थोड़ी है कि इस एरा में वो पैदा हुआ है। हाँ वैसा, कि आजकल बच्चे बाहर नहीं खेलते यार, हो सकता है कि अगर हमारे टाइम पे हमारे पास इतनी वीडियो गेमें होती और इतने डिवाइसेस होते तो नहीं खेलते बाहर। ये तो मतलब हम बच्चों की गलती नहीं है वो बाहर नहीं खेलते, क्योंकि कोई नहीं खेलता तो किसके साथ खेलेगा, एक बंदा भी खेलना चाहिए। मतलब आज उस दिन मैं अपनी यार अपनी नीस को देखा, 10 साल की 11 साल की है वो,
वो फोन कर रही है, हे कमिंग डाउन टू प्ले. हम पता है क्या, हम घरों के बाहर जाके चिल्ला देते थे. एक सेकंड में बंदा बाहर आता था भाई, एक सेकंड में. हाँ सही, मेरे को याद है. दैट्स ऑल इट टुक, अच्छी तरह दैट्स ऑल इट टुक. आवाज बाहर नहीं होती थी बस, ऐसा आंटी खेलने आ रहा है. हाँ बस सीधा, हाँ भेज रही हूँ, डन, इट्स डन. लाइक अब तो फोन वोन का बहुत अलग सीन है. फोन करके बोल रहे हैं कि भाई बैडमिंटन खेले थोड़ी देर, आ जाओ. आई थिंक अब तो क्रिकेट फुटबॉल से पहले कोलैब सोचते होंगे. अब तो कोलैब ही, अब तो ऐसा मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम बाद बोले खेलना ही है ना, मेटावर्स में खेल लेंगे थोड़े टाइम में, तो यही होने वाला है और क्या. हाँ यार मतलब, लेकिन ठीक है, ये भी आई गेस अच्छी चीज है भाई, कोई टेंशन मेरे को. इससे इससे पता बेनिफिट क्या होता है कि ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज हम करते थे ना, वो एग्जॉटिक हो जाती है. हाँ ये तो है कि भाई पता है हम पार्क खेलते थे, पार्क में, पार्क में बॉम्बे के लोग बोले पार्क कहा. हमने गाड़ी के शीशे तोड़े हैं बहुत. हाँ क्रिकेट वैसा, अगर हम ये बात अब बोले तो इनको क्या समझ आएगा कि उसमें क्या थ्रिल था और क्या फटती थी करने के बाद. वैसी चीज यार सच में बहुत फटती थी. हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई. हाँ भाई, ऊंच नीच का पापड़ा. हाँ भाई ऊंच नीच का, बर्फ पानी. हाउ कैन बर्फ, हाउ कैन यू हैव अ गेम कॉल्ड ऊंच नीच का पापड़ा. गधे ने मारा झापड़ा, लाइक व्हाट द हेल. मतलब और बेस्ट पार्ट, मैं ना मैं पहली बार बच्चा था, यूएस गया था. और वहां पे उन्होंने बोला ओके द फ्लोर इज लावा. भाई मैं डर गया, मैंने कहा क्या. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब I must be a kid. I don't. I'm not understanding also. Yeah. फिर जब मैंने देखा लोगों को कि क्या कर रहा है, मैंने कहा ओह ऊंच नीच का पापड़ा. Nice, nice, nice. तो मैंने खेल लिया. The floor is lava तो को याद है. मेरे साथ भी same चीज़ है. मेरे cousin रहते हैं बाहर, तो आए हुए थे बचपन में. तो बोला let's play the ये the floor is lava. मैंने बोला floor is lava इतना और मैं ऐसा cool. क्या मतलब कोई होगी गेम. मैंने कहा ओके टीच मी, ऐसा कहता ओके ऐसा. उसने मेरे को समझाया कि if I'm it's my turn then I'll catch you, you have to climb up. ऐसा तो हम घर में खेल रहे थे सोफे वोफे पे जैसे थे ना. तो मैंने अपने छोटे वाले ऊंची का पापड़ा बोल रहे हैं खेलते हैं यार, ऐसा समझ रहे हो वैसा. तो वो तो सीन था ही भाई उनको नहीं भाई. हाँ यार, और ये लोग इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हमारे क्या फन होते थे वो, कि किसी की सीढ़ियों में आके छुपना वैसा यार. बट आई हैव आल्सो सीन लाइक 90s किड्स हैव सम रियली फनी ट्रांजिशनल एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जांपल लाइक यू नो पहली बार जब तुम एक प्लेन टी शर्ट के पैसे देते हो प्रिंटेड वाली से ज्यादा. सही में भाई, जब पहली बार में जब जारा खुला था ना दिल्ली में, और पहली बार मैंने देखा कि प्लेन टी शर्ट 1400 रुपये, ये फैशन है, इस पे तो कुछ बना ही नहीं. ये तो प्लेन है, ये तो प्लेन है, तो जारा भी नहीं लिखा तो इसका तो नाम ही बेसिक्स है, बेसिक क्यों लूं मैं. मतलब I was like, oh God. बहुत था सीन भाई, ये तो बहुत सीन था वो. और भाई मतलब इमेजिन वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था. और भाई एक मेजर ट्रांजिशन किसके बारे में भाई, मेरे को लगता है सब भूल ही गए होंगे. मैं एक को एकदम से याद आ गया. याद है पहले आपके रेस्टोरेंट्स के पैम्फलेट्स होते थे घर पे पूरी, एक उसको नंबर देख के मेन्यू देख के ऑर्डर करते थे फोन पे. भाई Zomato भाई, अब तो लाइफ नहीं चलती उसके अलावा. सिनेमा हॉल के शो पेपर में कब लास्ट कब चेक किए थे भाई. हां ओफ सिनेमा हॉल के शो पेपर में. ओह टीवी लिस्टिंग भाई, टीवी लिस्टिंग. हां ड्रैगन बॉल जो कितने बजे आएगा आज भाई, क्या-क्या था भाई, क्या-क्या सीन थे. मतलब यार इमेजिन मैं उस दिन किसी एक इंसान से मिला, उसको पता ही नहीं था कि CRT टीवी क्या होता है. CRT टीवी, डब्बे वाला टीवी. अच्छा वो CRT टीवी है. CRT, उसको CRT कहते थे. वो पैदा ही LCD में हुए हैं भाई, टीवी पतले ही थे. मैंने नहीं, मेरे को भी, मेरे को याद, मतलब बहुत बचपन में याद होगा कि होगा, पर मेरे को भी वैसे याद नहीं आ रहा है वैसे. क्या बात कर रहे हो. अरे पर वो डब्बे, बड़ा टीवी ना, मोटा जैसा टीवी. अबे जो नॉर्मल वो फ्लैटरॉन वैटरॉन आते थे यार टीवी, जो जो जिसके पीछे पूरा वो था ना डब्बा. हाँ वो तो याद है मेरे को. हाँ वो तो याद है. हाँ समझ गया, उसको क्या बोलते हैं. CRT. वो तो मेरे घर में भी था, मेरे को याद है. सबके घर पे था यार वो भी, वही उसका उसका वो अंदर जाके मारा था स्प्रिंग वाला ऑन ऑफ का बटन. वो तो मेरे को याद है. वो भाई लाइक एक तो वो ट्रांजिशन हुआ, बहुत चीजें हुई यार, बहुत सारी चीजें. फोन पहले छोटे हो रहे थे, फिर बड़े हो रहे थे, फिर वापस छोटे हो रहे थे, अब वापस बड़े हो रहे. फोन में जब सबसे पहले वो आया था BBM, BBM का भाई, BBM बेस्ट चीज थी भाई. BBM से ऊपर कुछ नहीं था भाई. इतनी इतनी मजेदार चीज थी यार. क्या पता BBM क्या होता है अब इन लोगों को. ऐसा
यार BBM के टाइम पे इमोजीज ने धूम मचा दी थी भाई, तब सब सब कहते भाई वो डांसिंग वाला इमोटिकॉन ना, मैं सबको ऐसे ही भेज देता था हाय। BBM का स्टेटस स्टेटस जाते थे लोग यार, वो सब चीजें कब से कर रहे हैं भाई। BBM के स्टेटस, BBM के स्टेटस स्कूल में लोग इमो हो रहे थे BBM के स्टेटस पे, जस्ट D&D, जस्ट प्लीज D&D, जस्ट D&D यार। वो भी आता था व्हाट म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू, आपके खुद को पता लगता था लोगों को आपके जो भी उस लिस्ट पे क्या क्या चीजें थी, मतलब वो भी बढ़िया थी यार, फन था यार BBM। पर मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ऑर्कुट वॉर्कुट, मेरे को ऑर्कुट वाला एरा थोड़ा थोड़ा याद है, ब्लर्ड है मेरे दिमाग में, मैंने इतना यूज नहीं करा। यार सबसे द फर्स्ट साइट आई रिमेम्बर जॉइनिंग वाज हाई फाइव, मेरे को तो ऑर्कुट, हाई फाइव के बाद ऑर्कुट था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक था, फेसबुक था ही, और फेसबुक पे तो फिर भाई फेसबुक पे तो क्या क्या नहीं, मैं तो अभी देखता हूँ 9 years ago मेमोरी आती है, मैं कहता हूँ अबे यार एक दूसरे की वॉल पे लिखते थे हे ब्रो ऑल गुड सी यू टुमारो, वॉल पे कॉल करना, कॉल करना बैलेंस खत्म हो गया ब्रो, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कूपन भी आते थे याद है, स्क्रैच करके कोड डालो SMS करो, वो सब भी तो था इनसेन। और वो बाय कैरेक्टर की, कैरेक्टर के हिसाब से पैसे दो तो 1 paisa पर कैरेक्टर, अच्छा वो वहाँ टेक्स्ट करने वाला, तो लोग लिखते थे, वावल्स थे नहीं, नहीं था कुछ नहीं था, मतलब क्या कर रहा है वो भी कैसे, व्हाट यू डंग NMU NMU nothing much U NMU T by कि 17 paise में कॉन्वर्सेशन हो गई, क्या क्या तब वेट करते थे, फिर उसका स्कूल का टाइम शुरू हुआ, गया वेट करते कॉन्टी होगी, अरे कॉन्टी हमारी कॉन्टी कैंसिल हो गई थी पता है, पुलिस हमें तो बहुत लड़ झगड़ के करवाई थी हमारी, तो भाई कॉन्टी कैंसिल हो गई कॉन्टी। और एक और चीज भी बड़ी, पार्टी सब लोग पार्टी उठाना शुरू नहीं करते, पासिस आए हैं स्कूल में पासिस भाई, एक तो वो लोग जो करते थे ना, उससे ज्यादा चोरी मैंने कभी नहीं देखी है लाइफ में भाई, 1500 rupees ब्रो एंट्री, हमारा इवेंट है और वो IMFL अनलिमिटेड, IMFL अनलिमिटेड, आई एम लाइक ब्रो क्या, और वहां जाओ तो कुछ नहीं, वहां पे 3 snacks है वही आई जा रहे हैं, गरम करके आलू के वही लेके आ रहे हैं, चिली पनीर खिला रहे हैं, बेबी कॉर्न खिला दिए IMFL में भी पता नहीं कौन सी, और तब भी हमें वो कूल वाली फीलिंग आ रही कि अरे ब्रो पार्टी पार्टी, और तब ऐसा था तब हमारे पास स्नैपचैट हम कहीं डालने के लिए भी नहीं था, वो हम बस उस मोमेंट को एंजॉय करते थे कि भाई ये खड़े हैं ग्लास लेके पार्टी चल रही है, पूरे स्कूल हमें देख रहा है, वीडियो तो तब बनती थी जब कुछ बहुत ही अजीब करना है वैसा, जैसे प्लान करते थे जैसे भाई ओए मैं स्कूटर पे व्हीली करूंगा तो वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, वैसा ये तो था यार, वो वाला होता था यार, स्कूटी पे कितना घूमे हैं अरे लोग, क्या बहुत सीन थे यार, बचपन की कुछ अलग ही बातें करने लग गए, बढ़िया नॉस्टैल्जिया में, यही तो बातें, यही तो बातें बाद में याद आएगी, यही तो बात बहुत फनी है यार वो वीडियो यही तो बात है, अबे मैं चबा रहा हूँ क्या यार, मेरे को लगता है हमने बहुत बातें कर ली है भाई, बहुत खुशी भी हो रही है कि हमने बहुत बातें कर ली है, हाँ यार आई होप आपको अच्छा लगा हो, अरे ब्रो एंड आपने फन टाइम ऑफ माय लाइफ, अरे तो फिर अब हम क्या बनाने वाले हैं शॉर्ट फॉर्मेट जल्दी, फिर बनाने वाले हैं, चलो डन हो गया, शॉर्ट फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट जोधा अकबर बना देंगे ब्रो, जोधा अकबर बना देते हैं, डन है, डन पक्की बात है, पक्की बात, पक्की घर, पक्की घर, पक्की घर, अपना 90s का फेवरेट गाना बता दो फिर खत्म करते हैं, 90s का फेवरेट गाना जो ऐसा नहीं कि अभी तक फेवरेट है, ऐसा जो उस टाइम पे बहुत पागल हुए सुनते थे यार, 90s का फेवरेट गाना आई थिंक कुड बी लाइक आई रिमेम्बर लिसनिंग टू अरे रे अरे ये क्या हुआ अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई, लाइक इट्स नॉट लाइक भाई बच्चे हम थोड़ी प्ले कर रहे हैं गाने, मतलब बट घर में बहुत बजता था एक टाइम पे वैसा, और ऐसा कोई गाना जो आप जान अपने आप बजाते थे स्कूल स्टार्टिंग स्कूल के दिनों में वैसा जो आप, एक गाना था जब मैंने गाना शुरू किया था, मतलब यू नो जब मैंने स्कूल बैंड के लिए ऑडिशन दिया था, जब आवाज भी ऐसी थी मेरी भी ऐसी थी भाई, तो मेरा भी ऐसी है, तब मैं गाता था बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स, मेरा फेवरेट गाना, मेरी फर्स्ट बैंड परफॉर्मेंस गेस करो क्या थी, वो नहीं थी जो आपने बोला, वंडरवॉल नहीं, नम नम भाई, दैट विल बी व्हाट यू वांट मी टू बी, मैं तो बनना चाहता था यार, रेस्ट इन पीस, सही में बट मैं भाई क्या लिंकिन पार्क तो क्या एरा यार गाने इन दी एंड भाई, इन दी एंड उसका गाना ना सारे दिमाग में बैठा हुआ है यार, सब
समर ऑफ 69 पे गिटार सीखा है मैंने सबसे पहले भाई। समर ऑफ 69 मैं नहीं सुन सकता क्योंकि वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हां एक्सप्लॉइट भाई एक्सप्लॉइट इज एन अंडर गाना बहुत बढ़िया यार बैंड अलग ही सीन उनके और भी गाने बहुत अच्छे थे। गाना अच्छा है लेकिन भाई लिंकिन पार्क का तो वो वाला सीन है तेरे को इंडियन का रैप आता है मुझे एक आता है ऐसा वो तो फिर उसके बाद एक कौन सा आ गए थे उसमें सीन भाई एक कौन तो यार क्या याद दिला दिया मेरे को भाई आज मैं बहुत अच्छी नींद सोने वाला हूँ। क्या टाइम था यार म्यूजिक का तो अलग ही टाइम था वो। फिर धीरे धीरे एमिनेम आया M&M धीरे धीरे नहीं आया M&M बहुत जोर से आया था भाई। अरे धीरे धीरे मतलब दुनिया में हम तो मैं तो वैसा बहुत सुन लिया पर दुनिया में ऐसा ना M&M वो पहला आर्टिस्ट है जिसको सुन के मैंने कहा हाँ मेरे अंदर भी दर्द है। हाँ भाई मैं 11 साल का कुछ नहीं समझ आ रहा भाई उसका ऐसा था कि रियल स्लिम शेडी ऐसा था हर जगह चलता था भाई किसी ने सुना भी नहीं होगा सबको प्लीज स्टैंड अप सब क्लबों में लगे हुए किसी ने सुना भी नहीं होगा वैसे उसके यार कितने सारे गाने थे एस लाइक दैट एस लाइक दैट वो तो भाई गाना क्योंकि हम बहुत देर से बात कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि मेरा गला और ले नहीं पाएगा और आपकी आवाज भी मेरे को लग रहा है आप भी थोड़े गला खराब है आपका तो मैं आपको गाना गाने के लिए तो नहीं बोलूंगा टेंशन मत लो। चलो ठीक है क्योंकि कोई मुझे बोलता है तो मुझे भी बहुत बीटी हो जाती है यार अभी मन नहीं है आराम से किसी और दिन गालेंगे। और मैं बस ये बोलूँगा ऐसी कोई पीस ऑफ एडवाइस जो आपको किसी ने दी हो जो आपको लगे कि भाई इसने मेरा दिमाग फ्लिप कर दिया फिर के वाह अच्छी बात बताई है इसने मुझे आज वैसा यार मतलब आई मीन आई डोंट नो व्हाट एडवाइस आई कैन गिव बट आई जस्ट लाइक हाउ आई काइंड ऑफ आई जस्ट डोंट गिव नहीं मतलब ऐसा कुछ एडवाइस जो आपको किसी ने दी और आपने बोला ये क्या बंदे ने मुझे बात बोली है और मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा इस बात का वैसा यार आई थिंक लाइक टू बी ऑनेस्ट वैल्यूइंग पीपल इज़ अ मैसिव पार्ट ऑफ इट लाइक यू नो जस्ट वैल्यूइंग पीपल अराउंड यू ट्रीटिंग देम राइट वो एक होता है कि जैसे ही इंसान बिजी होता है थोड़ा या कुछ यू नो ज़्यादा करने लगता है यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर अहेड ऑफ अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल या यू नो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन देम but it's very momentary you know it's a momentary thing like it's very I don't think usme padhna chahiye matlab koi race hai nahi bhai exactly tum akele ho like sahi kar rahe ho jo pata hai sabka time hota hai aur sabka time hota hai to main manta hu baat sabka time hai main bahut bahut itna wo usse manta hu na ki ye to baat itni sach hai jitna aap aur main baithe hain utna sach hai utni sach hai ki bhai sabka time hota hai waisa sabka time hota hai yaar wo to hai मतलब सब एक टाइम पे घर पे बैठेंगे और कुछ नहीं होगा करने को सब एक टाइम पे फेड अप हो जाएंगे अपनी लाइफ से सब एक टाइम पे फाड़ रहे होंगे फाड़ कर रहे होंगे वैसे उसमें बट आई जस्ट थिंक द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल शुडंट बी बेस्ड ऑन दैट या लाइक दैट्स द थिंग दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग ब्रो कि जब तक तेरी कुछ बातचीत नहीं है तेरे से जब तक तू रेलेवेंट है तू मेरा दोस्त है जैसे ही तू रेलेवेंट नहीं है हट जा यहाँ से मतलब it's just it's such a cruel thing it's like you're setting up for pain and also iski process ke koi tum to wo behavior shift jab hota hai dheere dheere tab tumhe samajh aata hai ki ho kya raha hai hamare sath waisa you know you start questioning yourself ki yaar main itna bewakoof kaise tha ki maine dekha nahi like you know I think wo thoda but ha just that I think you should just value people regardless of how well they do or what they have especially yeah aur I think ye to maine cheez sirf matlab delhi mein reh ke seekhi hai kyunki materialism ek cheez hai jo tumhe kha jati hai yaar delhi mein ye to bahut hai yaar matlab mereko maine abhi thoda time pehle bhi aise baat kari thi to usme delhi mumbai debate ho gayi thi to I was team mumbai kyunki wo banda mera jo friend hai wo delhi se hi tha but aisa bahut fun debate thi waisa बट मेरे को फिर ये भी रियलाइज होता है कि बहुत एक मिसकंसेप्शन तो है बट सच में दिल्ली के लोगों को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए अब बहुत टाइम मतलब इन द सेंस कि
मतलब मेरे को नहीं पता कि मेरे को बस मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं दोनों जगह रह के देख चुका हूँ, तो भाई इंडिया में 5 साल आगे मुंबई चल रहा है सबसे बाकी सबसे, डेफिनेटली तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते तो मुंबई से किसी भी बेसिस पे, डेफिनेटली। एंड भाई हम मतलब हम तो दिल्ली के हैं, हम तो दिल्ली से प्यार करते हैं, वही तो बात है सारी, पर हम खुद ये बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सही मतलब फ़र्क क्या है, ये नहीं बोल रहा कुछ बुरा है कुछ अच्छा है, दोनों बढ़िया है, तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई वैसा। एग्जैक्टली मेरा वो मतलब है बोलने का, वो वाला वो दिखावा छोड़ दो मतलब ऐसे, वो तो है भाई, बट ऐसा है ना सब नहीं करते सब पता, हां सब नहीं करते, बट नाम सबका खराब होता है ना एक तरह। एग्जैक्टली वही तो यार, अगर अगर देखो स्टीरियोटाइप क्यों बनाए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ओवर द इयर्स किया है ना, जैसे सबके एक्सेप्शन होते हैं, मेरे तुम्हारे दोस्त ऐसे थोड़ी हैं जो मतलब ओ ये छेड़छाड़ी करेंगे वो सब, मैं ये हूं मैं वो हूं मैं ये हूं मैं वो हूं, वो नहीं करते ना। और एक आधा होता भी है, हर ग्रुप में एक आधा होता ही है, तो उसको पता है क्या सीन है उसकी भी, हम ऐसे जो लोग होते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। मेरी बात समझो, मेरे को लगता है कि अगर हमारे ग्रुप में एक्स वाई ज़ेड ऐसा बंदा है तो हम फिर उसका ऐसे हंसी हंसी कर हंसी मजाक करने लग जाएंगे उसके साथ ही, पर उसको मुंह पे नहीं बोलेंगे तो ये घटिया काम कर रहा है, अब हम बोलेंगे कि इसको थोड़ा पंप कर देते हैं हम खुद। ऐसा होता है ना कि आसपास के लोग ही तुम्हें जो तुम हो वो बनाते हैं या फिर तुम जो मतलब बनना चाहते हो उसमें हेल्प करते हैं। I just think it does more harm to yourself than other people. मतलब it's not even like कि किसी और को प्रॉब्लम हो रही है तुमसे, तुम अपना अगर काम कर रहे हो, तुम यू नो तुम सॉर्टेड हो, तुम्हारी फैमिली खुश है, तुम जैसे भी हो, दूसरे का बिजनेस ही नहीं बनता है कि तुम कैसे हो, यू नो लाइक वो हो जाता है ना कि live and let live, he's happy, let him be happy, ना why do you have a problem with that? But if you start imposing that on others, that is when the problem occurs. वो तो है, you know it's like we really have to kind of learn to mind our own business, that is one thing. I guess 100 साल बाद हो जाए क्या पता। हाँ 100 साल, 100 साल के लिए तो हम रेडी हैं, 100 साल के बाद ही हो पाएगा। चलो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि शो का नाम ओडासिटी है, मेरे पॉडकास्ट का नाम ओडासिटी है, सो ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ एंड में, एंड उन्हें बेस्ट आंसर का अवार्ड मिलेगा इस सीजन के बाद जिसने भी बेस्ट आंसर दिया। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डू यू हैव द ओडासिटी टू से समथिंग टू समबडी, आप नाम ले सकते हो, एनोनिमसली भी बोल सकते हो, जिसको अभी तक आप पे कट्स नहीं है मुंह पे बोलने के, पर वो अच्छी बात भी हो सकती है बुरी बात भी हो सकती है, किसी को गाली भी दे सकते हो आप मेरे पॉडकास्ट को एज अ मीडियम मान के, किसी को गाली देना तो दे सकते हो, नाम भी ले सकते हो, नहीं लेना नहीं भी ले सकते हो, और किसी को कुछ अच्छी बात, जैसे किसी को प्यार करते हो और बोल नहीं पा रहे हो मुँह पे, या तो यहाँ पे बोल दो, नाम लेके बोल दो, नहीं लेके बोलना है तो वो भी चलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि बाकी लोगों ने कैसे इस चीज़ से करा है, क्या होता है, कुछ कुछ लोगों ने ऐसा आंसर करा है कि अपने आप को ही कुछ बोल दिया है कि ब्रो हवा में ज़्यादा मत उड़, मैं शीशे में देख के एक तरह से इमेजिन करके बोल रहा हूँ कि मैं बस अभी तक ओडासिटी नहीं बोलने की कि तू उड़ रहा है, तूने अभी कुछ नहीं उखड़ा है लाइफ में ऐसा ये सब। किसी ने ऐसा बोला है कि आउट टू द वर्ल्ड के, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली है लोगों ने ऐसा अलग अलग, तो आपका क्या मानना है वैसा? यार जनरली मैं मतलब काफ़ी फ्रैंक हूँ मतलब लाइफ में, वैसा तो समझ गया, बट किसी को कुछ तो आपके दिन में होगा कि आपकी बस बोलना चाहते हो पर मैं बोल नहीं सकता वैसा वाला सीन। यार मतलब यू नो आई देर आर सम थिंग्स दैट आई रिग्रेट यू नो इन लाइफ, एंड आई रिग्रेट नॉट बीइंग मैच्योर इनफ इन सर्टेन सिचुएशंस। ओके लाइक फॉर एग्जांपल देर आर टाइम्स व्हेन आई विश आई न्यू बेटर, जैसे मेरे काम पे मैं स्पेसिफिक नहीं हूँगा, बट देर आर टाइम्स वेर आई लुक बैक एंड वेदर इट्स विद फ्रेंड्स और वेदर इफ इट्स विद लाइक वर्क पीपल, स्पेशली वर्क पीपल, आई फील लाइक कभी कभी यू नो यू जम्प द गन, मतलब तुम सोचते हो कि तुम सही हो लेकिन यस समझिए तुम्हें नहीं पता कि पूरी सिचुएशन क्या है, और यू नो यू प्रिजम्पशुअसली आंसर क्वेश्चंस, एंड आई थिंक वो एक चीज़ है जो मुझे मतलब अब तो मैं केयरफुल हूँ इस बारे में, बट आई थिंक अभी भी आई जस्ट फील बैड एवरी टाइम आई हैव डन दैट टू अ पर्सन who was only looking after my well-being, you know, who only meant well for me, और मैंने उसी को कर दिया, थोड़ा फोन बज गया है, तो मैंने उसी को you know undermine कर दिया है कि आप नहीं समझोगे, because I feel like that is one thing that यार देखो अगर पर आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, सब करते हैं पर जाने अनजाने में हो जाता है सब, हाँ हो जाता है, but I feel like मैंने एक time पे maybe it's a phase,
मैंने 2-3-4 बार कर दिया होगा ये, एंड आई थिंक दैट वॉज जस्ट रॉन्ग ऑफ मी, लाइक आज मैं वैसा नहीं करता. बट आपकी रियलाइजेशन ही आपको, मतलब समझ रहे हो, आपको रियलाइज हो गया है कि मैंने करा है, तो वही मेरे हिसाब से तो आप ओवरकम कर चुके हो. हाँ. ऐसा होता है, फेज आते हैं लोग यार, लोग कभी हो जाते हैं कि भाई हाँ यार वो नहीं बचकांड तो होते हैं ना लोग, थोड़ा हम भी थे इतना तो बनता है यार, इतना कोई सीन. तो या आई थिंक आई जस्ट लाइक आई डोंट, अभी तो ऐसा हो गया कि मेरे को किसी के नाम वाम नहीं आ रहे, बट लाइक यूनिवर्सल अपॉलोजी टू ऑल ऑफ दोस पीपल कि आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लाइक यू नो एन इडियट एट सम पॉइंट्स. बट हाँ जो जो मैं कभी सर बहुत बढ़िया यार, मैं हो सकता है पता बट ऐसा है कि मतलब हो सकता है मैं उनके सामने ना बोल पाऊँ ब्रो, तो वही तो बात है. यही तो पूरी गेम थी, आप समझ गए. हाँ. बोल दिया तो बहुत शॉर्ट है ना, वही मैं चाहता था कि आप बस अपने दिल से बोल के हल्का कर दो वो चीज. हाँ. क्योंकि मुझे पता है आप ऑब्वियसली नहीं बोल पाओगे यार सामने ऐसा, क्योंकि बट आपने आप बोल दिया तो आपको हल्का फील हो रहा होगा, तो मेरे को बस वही चाहिए था. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू ब्रो. और अब हम कल परसों मिलके बनाते हैं कुछ डन, और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, पर ये जब तक पॉडकास्ट लाइव जाएगा तब तक वो शुरू हो चुकी होगी. यस. सो देखना मत भूलना. एक बार ना मेरा आउटर कर दो, बस बोल दो होलो होलो. अबे होलो, अबे होलो, होलो यार, चलो होलो, होलो यार, चलो होलो, चलो होलो.